भारत की राष्ट्रीय तेल कंपनी ONGC में कार्यरत ऑफिसर की पत्नी ने दो बेरोजगार युवकों से ठगी की। युवकों से भारतीय खाद्य निगम विभाग में नौकरी का आश्वासन देते हुए लाखों रुपए ऐंठ लिए। इस दौरान नौकरी नहीं मिलने पर जब बेरोजगार युवकों ने अपने रुपए की मांग की तो ऑफिसर की पत्नी अपनी बातों से मुकर गई। देहरादून में नौकरी के नाम पर झांसा देकर दो बेरोजगार युवक नितेश और अमित से कुल 12 लाख रुपए ठगने वाली महिला भारतीय राष्ट्रीय तेल कंपनी ONGC में कार्यरत ऑफिसर की पत्नी है। महिला का नाम भारतीय अधिकारी है, जिसने बेरोजगार युवकों को फर्जी लोगों के सर्टिफिकेट दिखाकर बताया कि उनके पति कई लोगों की नौकरी लगवा चुके हैं, आपकी भी लगवा देंगे। लेकिन दोनों बेरोजगार युवकों से पैसे ठगने के बाद महिला अपनी बातों से पलट गई और युवकों से ठगे पैसे वापस करने में बहाने बनाने लगी। इस दौरान ठगी के शिकार बेरोजगार युवक अमित और नितेश ने बताया कि ऑफिसर की पत्नी ने पहले कई सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी का आश्वासन दिलाया और जब पैसे दे दिए तो बातों से पलटने लगी। युवकों ने कहा कि जब उन्होंने ऑफिसर की पत्नी के दिखाए सर्टिफिकेट को संबंधित विभाग में पता किया तो दिखाएगा सर्टिफिकेट का कोई व्यक्ति विभाग में मिला ही नहीं। युवकों ने ठगी का शिकार होने पर मामले को पुलिस से अवगत कराया और महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और इन्होंने कई व्यक्तियों के नियुक्ति पत्र हमें अपने फोन में दिखाए, हमें पूरा सेटिस्फाइड किया कि हम आपको जेन्युइनली जॉब करवाएंगे। इन्होंने हमसे स्टार्टिंग में 1.5 लाख रुपए लिए और ये बोला कि आपका ये बाद में रिफंडेबल है। ये 2019 एंड की बात है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमसे धीरे धीरे करके और पैसे लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अब आपका ये फॉर्म फिलअप होना है। इन्होंने फेक हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाए। जब हम उस कार्यालय में पहुंचे तो वहां पता चला कि ये सब फेक है। इन लोगों ने हमें बताया कि नौकरी निकली है, वैकेंसी निकली है कि हम नौकरी का करवा देंगे। कहाँ पर निकली वैकेंसी? इन लोगों ने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे करके PRD PWD में ऐसा करके इन्होंने बोला है हमें, तो हमसे भी इन्होंने झांसा देके पैसे करवाए हैं। इन्होंने बोला कि नौकरी आपकी लग जाएगी ये वो। इन्होंने भी हमारे साथ वही करा है जो इनके साथ करा है। लॉकडाउन को लेकर इन्होंने बहुत हमें झांसा दिया है। इन्होंने हमसे भी पैसे लिए और इन्होंने बाद में बोला है कि इतनी तारीख को हो जाएगा, पर वो हुआ नहीं। वो काम आता है कि जो भी कार्रवाई जल्द से जल्द करी जाए और जो है कि इसे हमें न्याय मिले। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।